आखिरी चरण के मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेता अजीबोगरीब हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला यूपी के सोनभद्र से आया है, जहां रॉबर्टगंज विधानसभा से भाजपा विधायक ने मंच पर जो किया वह अपने आप में काफी हैरान करने वाला था। अपने भाषण के दौरान भाजपा विधायक भूपेश चौबे जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतना तक तो फिर भी ठीक था, इसके बाद विधायक कुर्सी पर खड़े हुए और फिर कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लग गए। विधायक की इस हरकत को देखकर अगल बगल बैठे दूसरे नेता उठकर खड़े हो गए और उन्हें रोकने लगे। भाजपा विधायक भूपेश चौबे का ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। एक ओर जहां लोग इस तरह की वीडियो पर जमकर मजे ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 साल कुछ काम किया नहीं, अब उठक बैठक करने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि यदि पहले जनता के लिए कुछ किया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। भाजपा विधायक उठक बैठक के पहले जनता को इस बात का विश्वास दिलाते हुए नजर आ रहे थे कि जो गलतियां पहले हुई हैं उसे दोहराया नहीं जाएगा। स्थानीय जनता में है आक्रोश। जानकारी के अनुसार विधायक भूपेश चौबे के खिलाफ आम जनता में काफी आक्रोश दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी जैसे दौर में भी विधायक एक बार भी अपने इलाके में भ्रमण के लिए नहीं आए। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ और जब लोग वहां पहुंचते थे तो उन्हें बेअदबी का सामना करना पड़ता था। इस जन आक्रोश को देखते हुए भाजपा विधायक ने उठक बैठक करने की युक्ति बनाई। हालांकि ये युक्ति कितनी काम आती है ये तो आगामी 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।